हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड विद संगीता। कुछ ऐसा नाश्ता बनाते हैं जो खाने में बहुत टेस्टी हो और साथ ही बहुत ही आसानी से बनके फटाफट ये तैयार हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं कच्चे आलू का नाश्ता बनाना। यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू लिए हैं जिनको छील कर अच्छी तरीके से धो लिया है। और अब मैंने एक बोल में पानी लिया है और इसमें मैं ये आलू घिस के तैयार कर रही हूँ। ये मोटा वाला ग्रेटर है ना, इस साइड से मैं इनको घिस के तैयार कर रही हूँ। इससे लच्छे मोटे मोटे आएंगे तभी ये नाश्ता खाने में अच्छा लगेगा। यहाँ पानी में आलू को घिसने से आलू काले नहीं पड़ेंगे, इसलिए इनको पानी में ही घिसें। फ्रेंड्स, घर पर अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो आप फटाफट बहुत ही आसानी से इस नाश्ता को बना के तैयार कर सकते हैं और अपने मेहमानों को खिला सकते हैं। अब ये सारे आलू मैंने घिस के तैयार कर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो क्लाउडी हो गया है, काफ़ी सारा स्टार्च है इसमें, तो हम इन्हें धोएंगे। अच्छी तरीके से हमें धो लेना है। तो यहाँ पर ये 3-4 बार मैंने आलूओं को धो लिया है और अब आलू का पानी आप देख रहे हैं एकदम साफ़ है। तो बस अब आप इन आलूओं से सारा पानी हटा दीजिए और आलू को मैंने ये छलनी में निकाल लिया है और इस तरीके से निचोड़ कर इनका सारा पानी हमें बिल्कुल हटा देना है। आलू को इस तरीके से दबा दबा कर आप सारा पानी इनका हटा दीजिए, क्योंकि अगर इनमें पानी होगा तो आलू का जो नाश्ता है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो इस तरह अभी आप देख सकते हैं कि मैंने सारा पानी इनका हटा दिया है, काफ़ी सारा पानी निकला है पैन में। तो बस अब एक बोल में मैंने ये आलू डाल दिए और इसमें डाली है आधी चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आप लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं इसकी जगह पर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच अदरक पेस्ट, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 2 चम्मच मैदा, आप कॉर्नफ्लावर की जगह अरारोट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस सब को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। मसाले इसमें आप अपने स्वाद अनुसार थोड़े से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, आलू में जो मॉइस्चर है उससे ही ये इसमें चिपक जाएगा। अब यहाँ पे इसे और भी चटपटा टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच सेजवान सॉस। आप चाहे तो सेजवान सॉस की जगह इसमें टमाटो सॉस, चिली सॉस कुछ भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे मैंने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और अब ये डो तैयार है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपको लगता है कि ये पतला है तो आप थोड़ा सा मैदा या कॉर्नफ्लोर और ऐड कर सकते हैं। अब इसमें से थोड़ा सा डो आपको लेना है और गरम तेल में इसको डालना है। यहाँ पर मैंने तेल पहले से ही गरम कर लिया था, गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है और ऑयल अच्छा गरम है, तो मैं ये इसमें पकौड़े डाल रही हूँ। और जब ये 2 मिनट तक अच्छी तरीके से पक जाए एक तरफ से, तब आप इनको पलट दीजिए। इस तरह सभी को पलट कर अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक आपको इन्हें सेक लेना है। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है ये नाश्ता बनाना और खाने में तो सुपर टेस्टी है। अब इन सब को इसी तरह आपको लगातार चलाते हुए अच्छी तरीके से सेक लेना है। बहुत ही जल्दी बन जाता है नाश्ता ये। इस तरह घुमा घुमा कर सभी तरफ से एक जैसा कलर आने तक इनको आपको सेक लेना है। ये अब आप देख सकते हैं कि इनका कलर चेंज हो रहा है, हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है इनका कलर। तो बस थोड़ी देर और सेकेंगे हम। ये देखिए, अब ये पूरी तरह सेक कर तैयार हैं, कितना अच्छा कलर आया है इनका। तो बस अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब इन्हें आप किसी टिश्यू पेपर पर निकाल लीजिए और इसी तरह सभी को सेक के आपको तैयार कर लेना है।
फ्रेंड्स, इन्हें आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए, चटनी सॉस जिससे आपका मन करे उससे खाइए। बहुत ही लाजवाब लगता है ये नाश्ता। अगर रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।